आप लोग शर्मा दर्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना हेड कोच अनाउंस कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और कौन होगा निकी आर्थर की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर दो पर बात करेंगे एशिया कप के हवाले से क्या अपडेट है, इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और नंबर तीन पर बात करेंगे पाकिस्तान के जो पंजाब के वजीर खेल हैं उनको एक ओवर में 6 छक्के पड़ गए, क्या अपडेट है, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर चैनल पर जितने भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। बात का आगाज करते हैं पहली खबर के साथ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से आई है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हेड कोच है वो अनाउंस कर दिया है, यासिर अरफात, जिन्होंने रिसेंटली इंग्लैंड से लेवल 4 की कोचिंग का कोर्स किया था और उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है। असिस्टेंट बॉलिंग कोच भी यासिर अरफात को ही बनाया गया जो कि फास्ट बॉलिंग में असिस्टेंट बॉलिंग कोच होंगे पाकिस्तान के निकी आर्थर की गैर मौजूदगी में, जो कि एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 के लिए ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे इन बड़े इवेंट्स में। और ओवरऑल देखा जाए तो यासिर अरफात की जो परफॉर्मेंस है वो इंग्लैंड में वो एज अ कोच कुछ काउंटीज के साथ काम कर चुके हैं, इसके अलावा उनका कोचिंग का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है एशिया कप को लेकर, अंदर की खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि सैटरडे को जो बहरेन में मीटिंग हुई थी 4 फरवरी को, जिसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम जो कर्ता धर्ता चेयरमैन थे वो मौजूद थे, स्पेशली ACC की भी जो प्रेसिडेंट है जय शाह वो भी मौजूद थे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के भी जो प्रेसिडेंट थे जय शाह वो भी मौजूद थे, दोनों ओजेन के पास ही थे और उन्होंने ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है। उनका क्लियर स्टैंड है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया का मानना यह है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको परमिशन नहीं दे रही पाकिस्तान ट्रेवल करने की, और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान इंडिया की जो पॉलिटिकल मामलात है स्पेशली जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं वो इस तरह के नहीं है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान ट्रेवल कराया जाए। और आपको पता है कि जो जय शाह के फादर हैं अमित शाह वो BJP के वजीर दाखिला हैं, तो इस वजह से भी जो जय शाह है वो कुछ नहीं कर सकते इस सारे मामले में। तो ये एशिया कप के हवाले से बड़ी खबर है। और दूसरा जो प्रपोजल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब ये तैयार है, जो कि मैं बड़े अरसे से तकरीबन 8-9 माह हो गए अपने यूट्यूब चैनल पे मुसलसल रिपीटली बता रहा हूँ कि जो दूसरा प्रपोजल है वो ये है कि अगर इंडिया ने अब क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दूसरा ऑप्शन क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ACC को एशियन क्रिकेट काउंसिल को एग्री कर ले कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो दुबई में करवाए जाए फाइनल समेत, अगर इंडिया फाइनल में जाता है, और इंडिया के साथ जो इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया बांग्लादेश हो गया, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया श्रीलंका या एनी हाउ जो भी टीम क्वालिफाई करके आती है उसके वाले से जो भी मैचेस होंगे इंडिया के वो UAE में करवाए जाए, जबकि पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान श्रीलंका, ये जो मैचेस होंगे ये कराची में या लाहौर में करवाए जाए। तो इसके वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब कमर कस ली है और अभी जो अब मीटिंग है वो नेक्स्ट मंथ में होगी मार्च में, और इसके हवाले से जो नेक्स्ट मीटिंग में स्टेटमेंट दिया जाएगा नजम अजीज सेठी की जानिब से। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है पंजाब के वजीरे खेल के हवाले से, जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली, और आपको पता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली बहाब ब्यास, तो उनको इफ्तिखार अहमद ने अकबर बुगती स्टेडियम में एक ओवर में 6 छक्के मार दिए। पहले बैटिंग की पेशावर जर्मी और कोटा ग्लैडिएटर का कल एग्जीबिशन मैच खेला गया। कल कोटा ग्लैडिएटर ने पहले बैटिंग की 184 रन बोर्ड पर लगाए और आउट हुई उनकी 6 से 7 विकटें उनकी गई। सरफराज अहमद ने 4 रन बनाए और एहसान उल्लाह भी कुछ ना कर सके, लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट रहे इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने 50 बॉलों पर 94 रन की ताबड़तोड़ खेली। खुशदिल शाह ने उनका साथ दिया, 24 बॉलों पर 36 रन बनाए। जब पेशावर जर्मी की बैटिंग का आगाज हुआ तो कप्तान बाबर आजम, जो कि पहली मरतबा कप्तानी कर रहे हैं पेशावर जर्मी की सीजन 8 में, वो 18 बॉलों पर 23 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद आरिस
शानदार बैटिंग की, 35 बॉल पर 53 रन स्कोर किए, लेकिन आखिर में 3 रन के मार्जिन से कोटा ग्लेडिएटर्स ने ये मैच जीत लिया। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 583 सब्सक्राइबर्स हो गए, और ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलूंगा, अल्लाह हाफिज़।